अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पिगमेंटेशन यानी कि छाइयों पे, फ्रिकल्स पे, जो हमारे फेस को बहुत ही ख़राब दिखती हैं, हमारे फेस को ख़राब करती हैं और हम दिखने में भी बुरे लगते हैं, जिस वजह से काफ़ी लोग ज़हनी मरीज़ हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका फेस दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, साफ़ नहीं है, दूसरे लोगों की तरह क्लियर नहीं है। तो काफ़ी लोग चाहते हैं कि बेहतरीन सी होम रेमेडी मिले, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और काफ़ी लोग जो होते हैं वो हज़ारों पे खर्च करते हैं और स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, मुख्तलिफ़ और महंगी महंगी सी क्रीम्स लगाते हैं जो उसका मुकम्मल इलाज नहीं करती, बजाय बेहतरीन होने के आपके फेस पे काफ़ी डार्क छाइयाँ हो जाती हैं, निशानात पड़ जाते हैं और आपकी स्किन तबाह बर्बाद हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ जो होम रेमेडी शेयर करूँगी वो 100% इफ़ेक्टिव है, यूज़ की हुई है और उसका काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट है। अगर आप अच्छे तरीके से वीडियो देखें, समझें और वो यूज़ करें तो इंशाल्लाह आपकी जो छाइयाँ हैं कम्प्लीटली बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, आपका चेहरा काफ़ी फेयर हो जाएगा और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो टाइम बचाते हुए जल्दी से चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली रेमेडीज़, DIYs और हैक्स आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को तैयार करने के लिए हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है तिल। सफ़ेद तिल जो हम नान पे लगाते हैं वो जो है खालिस सफ़ेद तिल होने चाहिए, लेकिन वो कम्प्लीटली सफ़ेद ना हो, उनमें थोड़े से ब्लैक जो हैं वो भी ऐड किए हो, ये आपको ख़ास ध्यान रखना है। एक चम्मच वो हम ले लेंगे और एक टीस्पून हम उसमें हल्दी मिक्स करेंगे और हमें जो दूध उसमें ऐड करना है एक चम्मच, वो हम इसमें गरम जो है वो ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसे पीस लेंगे। इस तरीके से हमें इसे पीस लेना है ताकि वो बिल्कुल क्रीम की तरह हो जाए, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाए। इस तरीके से पीसें, आप इस तरीके से पीसें या सिल पे पीसें, जैसे भी आपको ईजी लग रहा है, लेकिन हमें अच्छे तरीके से कम्प्लीट तरीके से इसे पीस लेना है, पीस लेना है। और उसके बाद ये जो है बिल्कुल आप किसी कंटेनर में रख दें, 2-3 दिन यूज़ कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा, फिर न्यू बना लें। तो ये पीसने के बाद हम निकाल लेंगे, देखें जैसे आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल एक पेस्ट हो गई है। और इसे अब इजी तरीके से हम अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई किसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये क्रीम, ये मरहम आपको अपने पूरे फेस पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेनी है, आपको ये रोज़ाना यूज़ करनी है और 20 मिनट के लिए आपके फेस पे लगी रहे। उसके बाद 1 मिनट के लिए आप हल्के हाथ से अपने फेस पे मसाज करें और नॉर्मली वॉश कर लें। ये ऐसी बेहतरीन क्रीम है, जब आप लगाएंगे तो छाइयों को ख़त्म करने के साथ साथ आपके कलर को भी फेयर करेगी। और 3 हफ्ते आप ये यूज़ करें, उसके बाद देखें कि कैसे आपकी पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, छाइयाँ, फ्रेकल्स, मलाजमा, जो भी प्रॉब्लम आपके फेस पे छाइयों की वजह से आ रही है वो सब ख़त्म हो जाएगी, आपका फेस क्लियर हो जाएगा, स्पॉटलेस हो जाएगा और कलर भी साथ साथ फेयर होता जाएगा। इतनी खूबसूरत दिखेंगी आप कि आपको यकीन नहीं आएगा कि आपकी पूरी छाइयाँ कहाँ चली गई और आपका फेस इतना हसीन और बेहतरीन क्यों नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छा और बेहतरीन सा रिज़ल्ट है, इंशाल्लाह आप लोग इससे फ़ायदा उठाएँगे। फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।